दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक गुड न्यूज है। मैं आपको बता दूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से प्लांट ऑपरेटर के जितने भी कैंडिडेट शेष रह गए थे ना, उनके ऑफर लेटर आना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि अभी पिछली बारी HWB मनुगुरु से ऑफर लेटर आए हुए थे, लेकिन दोस्तों इस बारी जो ऑफर लेटर आए हैं ना, कहाँ से आए हुए हैं? बार्क NRV की तरफ से आई हुई है, यानी कि न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से इस बारी ये ऑफर लेटर आई हुई है। तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है कि आपका यहाँ पे कहाँ पे पोस्टिंग वगैरह होने वाली है, कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, NRV की तरफ से इस बारी प्लांट ऑपरेटर के ऑफर लेटर आए हैं। ठीक है दोस्तों, आप में से कुछ कैंडिडेट का ऑफर लेटर BARC कल्पक्कम की तरफ से इशू हुआ है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये 9 अक्टूबर को इशू हुआ होगा। ठीक है, आप सभी लोग ईमेल पे जाकर चेक कर लीजिएगा। ये लेबोरेटरी की जो वैकेंसियां आई थी ना, उनके ऑफर लेटर आना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक कैंडिडेट का ऑफर लेटर आ चुका है। ये कहाँ से आए हुए है? बार्क NRV की तरफ से हुआ है, बाय स्पीड पोस्ट आया हुआ है। आप सभी लोग देख ही सकते हैं। तो यदि आपका ऑफर लेटर अभी इशू नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप सभी लोग को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। आप मान के चलिए दोस्तों, आपका बहुत जल्द ऑफर लेटर आने वाला है। ठीक है, आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे जिनके ऑफर लेटर नहीं आए होंगे, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, सभी कैंडिडेट के यहाँ पे ऑफर लेटर बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपका बहुत जल्द ऑफर लेटर आ जाएगा। जैसे कि एक कैंडिडेट का मेरे पास ऑफर लेटर आया हुआ है, जो कि NRV की तरफ से इशू हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, 9 अक्टूबर को ये ऑफर लेटर उनके पास आया था, बाय स्पीड पोस्ट आया था। ठीक है, आप में से कई कैंडिडेट होंगे जिनका बाय मेल आया होगा, तो आप सभी लोग अपनी ईमेल को चेक कर लीजिएगा, वहां पे इस तरह का ऑफर लेटर आपके पास आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले यही ऑफर लेटर पे बताया गया है कि आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो वैसे आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट को पता होगा कि पहले साल आपको 20,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 22,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, ये ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टिपेंड के तरह बताया गया है, तो आप सभी लोग को ये तो पता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, 12/11/2024 यानी कि 12 नवंबर से आपके यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग के पहले साल आपको 20,000, ट्रेनिंग के दूसरे साल आपको 22,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, 2 साल की होगी, आपको पता होगा। दोस्तों इस ऑफर लेटर पर कुछ शर्तें और कुछ इंट्रक्शन हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी गई है। तो दोस्तों ऑफर लेटर पर जो आपके इंट्रक्शन होंगे, कुछ शर्तें होंगी, तो आप सभी लोग खुद पढ़ सकते हैं, आपके ऑफर लेटर पर लिखी होगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको बताऊंगा, तो आप सब लोग बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पढ़े तो आप सब लोग ऑफर लेटर से भी लेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्या बताया गया है, जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी ना, सबसे पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यदि आप मेडिकल टेस्ट में फिट रहते हैं, तभी आपके यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, मेडिकल पे आपको ज़्यादा दिक्कत लेना है नहीं, आप मेडिकल में सब कोई पास हो जाएंगे, आप सभी लोग मान के चलिए, मेडिकल पे कोई बाहर नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, पॉइंट वन मैंने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों पॉइंट नंबर टू पे आते हैं, तो पॉइंट नंबर टू पे यही बताया गया है कि आपको 5,07,000 का एक बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड और इसके बाद SSQ अटेंशन फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले आपको 3,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये बाद में आपको लौटा दी जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जमा करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है, इस SBI अकाउंट पे आपको जमा करना है। तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फोर्थ पॉइंट पे सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी आपका मेडिकल होगा, ठीक है, जब भी आपका DB होगा, तो DB के दौरान आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये बता दिया गया कि आपका 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, और इसके बाद आपने कॉलेज वगैरह मार्कशीट, ठीक है, जो भी आपने वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय भरा था, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में यदि आप किसी नौकरी पे हैं, तो आपको वहाँ पे NOC फॉर्म को लेके जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, जिसपे खाकी बैकग्राउंड हो वो वाली फोटो यहाँ पे 4 लगेगी। इसके बाद दोस्तों 4 लाल बैकग्राउंड वाला स्टैम्प साइज फ़ोटो लाना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, आपको इसी फॉर्मेट पर लेके जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि आपके पास नहीं बनना है, तो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्मेट में आपको जाति प्रमाण पत्र बना के लेके जाना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया दोस्तों, आपका जो अटेंशन फॉर्म रहेगा ना, 7 अटेंशन फॉर्म की आपकी कॉपी यहाँ पे लगने वाली है। तो आप देख सकते हैं अटेंशन फॉर्म की यहाँ पे 7 कॉपी लगेगी और यहाँ पे SSQ फॉर्म की 1 कॉपी यहाँ पे लगने वाली है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपके 7 सेट किसके लगेंगे, अटेंशन फॉर्म के लगेंगे और 1 सेट आपके SSQ फॉर्म के लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अटेंशन फॉर्म और SSQ फॉर्म के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप सब लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अब दोस्तों एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और कह दी गई है, यदि आपकी शादी हो गई है ठीक है, तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा ना आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा है कि जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपको ट्रेवल अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपको यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस वगैरह नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक कॉन्फिडेंशियल संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शपथ वगैरह भी ली जाएगी, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप वहाँ से कुछ छिपा नहीं सकते हैं और कुछ भी जानकारी को आप बाहर पब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसकी आपको शपथ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक थोड़ा सा गोपनीय संस्था है ना, इस वजह से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 8 पे ये बताया गया कि यदि आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद आपके यहाँ पे 3 साल पूरा हो गए ना, तभी आप किसी अदर एग्जाम को दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, यानी कि 2 साल की ट्रेनिंग और 3 साल का जब तक आप यहाँ पे काम नहीं कर पाते ना, तब तक आप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप UPSC का तक के फॉर्म के एक पेपर को आप यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए ना, पॉइंट नंबर 8 पे यही बोला गया है कि जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी और जब आप एब्जॉर्बेशन पीरियड पर चले जाएंगे, तब तक आपके यहाँ पे किसी तरह का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये भी बोला गया है कि यदि आप इस पीरियड पर रहते हैं, तो आपको यहाँ पे किसी तरह का इंटरव्यू, ठीक है, आपको यहाँ पे किसी भी तरह के स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें यहां पे नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दिया गया कि आपको यहां पे UPSC तक के फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 पे ये बोला गया है कि ठीक है, यदि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, आपके यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है, तो समय समय पर आपको यूनिफॉर्म वगैरह दिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 10 पे एक अच्छी बात लिखी गई है, ठीक है, जब भी आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट वाइज काम करना पड़ेगा, जो कि 3 शिफ्ट पर रहेगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, तो आप 3,000 रुपये बुक अलाउंस के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान आपके मेडिकल फैसिलिटी तो आपको प्रोवाइड होगी, और जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आपके 6 मेंबर के लिए CHSS कार्ड मिल जाएंगे। तो आप सब लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। दोस्तों पॉइंट नंबर 13 पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, यहाँ पे ये बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग यदि यहाँ पे स्टार्ट होती है ना, तो आपको यहाँ पे हॉस्टल रूम वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, जो कि NRP BARC तारापुर की तरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, 14 नंबर पॉइंट पर यह बताया गया कि ठीक है, आप यहाँ पर जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, तो आप 8 से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं, 8 से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ये भी दोस्तों आकस्मिक छुट्टी के दौरान, और आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तभी आप यहाँ पे छुट्टी ले पाएंगे। ठीक है, यदि आप बिना बताए छुट्टी वगैरह करते हैं, तो आपको यहाँ पे निष्कासित वगैरह कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 15 पे ये बताया गया दोस्तों, यदि आप प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, इसी के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 16 पे यह बताया गया है कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, ट्रेनिंग के दौरान आपका सबसे पहले आपको यह पता होगा कि 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के 6 मंथ आपको पढ़ाया जाता है और 18 मंथ पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको वर्क कराया जाता है। ठीक है, तो 6 मंथ पे आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह होगी, आपका जो ट्रेनिंग होगी, तो उसमें आपको क्या होगा, 6 मंथ पे आपका लेक्चर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, जिसमें आपको 50% मार्क्स मिनिमम लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आपके यहाँ पे एक क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, तब आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में यदि आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो आप टेक्नीशियन सी बनेंगे। ठीक है, यदि आप इंटरव्यू में गड़बड़ परफॉर्मेंस रहता है, तो आप टेक्नीशियन बी बनेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 3 में अंतर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों मुद्दे की बात आती है, आपके पास जो ऑफर लेटर है ना, इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कब तक करने हैं। तो दोस्तों 14 अक्टूबर तक आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट भी बता दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफर लेटर आपके साथ आया होगा, ठीक है, उस ऑफर लेटर को अच्छे तरह से फिल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब दोस्तों मुद्दे की बात ये आती है, आपके पास जो ऑफर लेटर है ना, इसे कब तक एक्सेप्टेंस करना है, यानी कि कब तक इसे स्वीकार करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 अक्टूबर तक आप इस एक्सेप्टेंस लेटर को फिल करके भेज दीजिए। ठीक है,
तो आप सभी लोग के पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी उसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसे क्या करना है दोस्तों, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, फोटो कापी दुकान से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सारी डिटेल आपको वहाँ पर फिल कर लेना है। कैसे फिलअप करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप सभी लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इतना आप सभी लोग कर लेंगे, इसके बाद आपको फिल करने के बाद इसके प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। इसके बाद इस मेल पे आप भेज दीजिए। ठीक है, ईमेल के द्वारा भी भेज दीजिएगा दोस्तों, और बाया पोस्ट भी भेज दीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ईमेल के थ्रू भी आप भेज दीजिएगा और बाया पोस्ट भी भेज दीजिएगा। तो ईमेल पे आपको इस ईमेल पे भेजना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको स्पीड पोस्ट के दौरान कहाँ पे भेजना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट इस ऑफिस पे करना है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट भी कर देना है। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट रहता है आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।